वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पानीज ब्लॉग। तो गुड इवनिंग, तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग गाइज मैं दिन से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि दिन के 3 बज चुके हैं, क्योंकि रात 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक लाइट भागी हुई थी तो कोई सो नहीं पाया, गर्मी थी ऊपर से, तो इसीलिए हम लोग आज बहुत देर तक सोए। तो आज संडे का दिन था इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से अब आज ब्लॉग का शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइज मैं बाहर आया हूँ क्योंकि अंदर कूलर चल रहा है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो उससे मेरी वॉइस आपको सुनाई नहीं देती, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर आ जाता हूँ। तो गाइज देखिए धूप हो गई है, वो गाइज मैंने तो चप्पल नहीं पहना, अरे बहुत तेज जल रहा है गाइज। तो जल्दी जल्दी से अब मैं आपसे शाम से मिलता हूँ, शाम में मिलता हूँ क्योंकि पैर जल गए, देखिए गाइज टाइल से एकदम गर्म हो चुकी है। तो चलिए गाइज अब मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। कपड़े उठा लिया, धूप में थोड़ी देर ही खड़ा हुआ तो देखिए पूरा शरीर जलने लगा, तो जल्दी बिना देर तक रहता तो इसका रंग उड़ जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से उतार देते, ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े नहीं रख देते। क्योंकि और हम लोग जा रहे हैं पार्क में क्योंकि देखता हूँ अब दोस्त आए कहीं खेलने के लिए, आइए चलते हैं। पार्क में आ चुका हूँ, तो देखिए अभी तो कोई नहीं आया हो पार्क में क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सबका फिक्स टाइम है 6 बजे आने का, तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ गया। तो चलिए तब तक मैं आपको अपने पार्क का टूर करा देता हूँ, एक बार थोड़ा मोड़ा दिखाया हूँ, इस बार आपको पूरा एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये स्लाइड है सबसे पहले बच्चों का फिसलने वाला, और ये मैरीगो राउंड है, तो यह छोटा सा है, यहाँ पर 2 झूले लगे हुए अभी, और कोने में है पीपल का पेड़, वहाँ देखिए कोई कभी कभी पूजा भी करने लोग आ जाते हैं। और यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है कि पार्क में क्या क्या मना है, लिखा तो बहुत कुछ है पर इसमें से हम लोग कुछ ही देखे, इसमें लिखा है पालतू जानवर लाना मना है, फुटबॉल खेलना मना है, फिर भी हम लोग खेलते हैं। तो ये है पूरा, ये है एक और झूला, और सामने वो साइड है जिसको मैं आपको एक बार दिखाया था, तो इसमें अभी अंदर जाएँगे, अभी कुछ लोग हैं अंदर इसलिए, तो अभी दिखाऊँगा उसको अंदर से भी। थोड़ा वॉक कर लेते हैं और थोड़ा टाइम बिताते हैं, घर में रह रह के थोड़ा वो हो गया था, तो इसलिए मैं अब आ गया हूँ पार्क में वॉक करने थोड़ा, और आपको टूर भी करा देता हूँ। तो एकदम ग्रीनरी है यहाँ, पॉल्यूशन पता ही नहीं चलता, और दिल्ली साइड में देखो कितना सुबह आँख खोलते ही पॉल्यूशन वॉल्यूशन। ये पार्क के साइड साइड में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये पूरा लगा हुआ है देखिए, एकदम ग्रीनरी पूरे पार्क में, ये घास वास भी बीच बीच में घास की कटाई भी होती है जब बड़े हो जाते हैं घास, ये देखिए। पार्क में आने के लिए 4 गेट भी हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में, और एक ये रहा मेरे बगल ही में, तो यहाँ पार्क में कहीं से भी आ सकते हैं। और 2 मेन गेट हैं यहाँ के, एक वहाँ सबसे पीछे, वहाँ गार्ड नहीं रहता है, पर वहाँ जो एल ब्लॉक है वहाँ गार्ड है, वहाँ पे रहता है, और एक ये सबसे मेन गेट, यहाँ से आना जाना रहता है लोगों का। ये आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, तो ये आप ये देख रहे हैं, तो इसके नीचे मोटर गड़ा हुआ है जिससे पानी बाहर आता है, और जैसे पार्क जब सूख जाता है धूल उड़ने लगता है तो उसको थोड़ा नमी देने के लिए, गीला करने के लिए, इसमें से निकल के पूरा पार्क में फैल जाता है। और एक और उधर पास में वहाँ एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, 2 जगह है वहाँ पे भी बोरिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से भी पानी आता है, इसमें जाता है। जामुन का पेड़, तो यहाँ एकदम इतने सारे जामुन आ जाते हैं कि जिस चीज़ फुटपाथ दिख रहा है एकदम काला हो जाता है एकदम, जैसे इस पर गिरते पक के, ये देख सकते हैं। और वो रहा सामने, वो रहा पूरा जामुन का इलाका, वो देख सकते हैं आप, और बीच में साइड है सब उसी पे गिरता है। ये है सैतूत का पेड़, मतलब रसबेरी का, तो आप तो जानते होंगे सैतूत भी, तो ये भी खूब इसमें आता है, खूब मीठे मीठे होते हैं एकदम मस्त। और ये साइड में ये रहा, ये भी जामुन का है, जामुन के पेड़ यहाँ ज़्यादा हैं, आम के थोड़े कम हैं। नीम का पेड़,
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। और आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ मंदिर मंदिर रखा है, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास रखा जाता है ये सब। अब बैठ गया हूँ थोड़ी देर, अब मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ कि वो लोग आएँ और मैं खेलना शुरू करूँ अपना। तो बताइएगा आप कि आपको ये अच्छा लग रहा है पहाड़ का टूर, ऐसे ही मैं आपको और भी कराऊँगा। तो इस जो ग्रीनरी है इस पर तो एक लाइक गाइस ज़रूर बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू गाइस। तो अभी आप आगे बने रहिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा कि मैं पार्क में क्या कर रहा हूँ, और सेट का भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि अभी दो लोग हैं तो वो लोग पता नहीं आना चाहेंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं अभी बाद में दिखाऊँगा वहाँ का। बच्चों का शीशो, इस पर बच्चे झूलते हैं। और ये देखिए बेंच भी खूब दो तीन बहुत सारी लगी हैं, ये देखिए सीमेंट की भी बेंच बनी हुई है। ये हमारा पूरा प्ले ग्राउंड है। आपको मैं अपने साइड का टूर कराता हूँ, तो आप लोग वो दोनों लोग गए, तो अब चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यही है वो ट्यूबवेल, और ये गाइस आम का पेड़ है, पता नहीं इस बार आम क्यों नहीं आए, वरना पिछली बार एकदम बड़े बड़े आम आए थे। ये रहा पूरा जामुन का पेड़, ये रहा साइड, एंट्री करते हैं। तो गाइस ये देखिए ये रही बेंच लगी है यहाँ पे, तो यहाँ कोई भी आके आराम से बात कर सकता है, बैठ सकता है, और देखिए धूप से भी बच सकते हैं। और यहाँ बहुत मज़ा आता है बैठने में, और देखिए हवा भी चल रही है, पेड़ हिल रहा है। तो यहाँ से देखिए पूरा पार्क गाइस हमारा, ये देखिए दो बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे भी आ गए, नए बच्चे हैं सब। जब मेरे दोस्त आ चुके हैं मुझे लग रहा है, तो चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ खेलने के बाद, तो बने रहिएगा आखिर तक ब्लॉग के। तो चलिए बाद में मिलता हूँ। मैं अभी खेल ही रहा था, तो मम्मी ने कहा कि कुछ सामान लाना है, मैंने पूछा क्या सामान था, तो बोले मैंगो लाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंगो शेक पिए हुए। और शुरुआत में हमने इसलिए भी नहीं पिया क्योंकि शुरुआत में मैंगो में बहुत दवाई मिला के पकाया हुआ होता है, तो मम्मी ने कहा जैसे जैसे सीज़न और ज़्यादा होता रहेगा तब लेना, क्योंकि फिर नेचुरल जो पक जाते वो होते हैं, तो वही मैं लेने जा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मैंगो लेने। गाइस आ गए हम लोग आम वाले के पास, ये रहा, तो जल्दी से ले लेते हैं। अब मैंने आम ले लिया है ये रहा, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया लेते हुए, पर दिखा दिया कि वो रहा ठेली आम का, तो अब हमें दूध लेना है, तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, तो चलिए जल्दी से आम ले लेते हैं, दूध आम ले लिया है, तो अब दूध ले लेते हैं 1 लीटर, तो फिर चलते हैं जल्दी से मैंगो शेक बनाते हैं और पीते हैं ठंडा ठंडा। सारा सामान ले लिया है, दूध ले लिया, हाँ मैंगो ले लिया, और झालमुरी हमें दिख गया था, हमने सोचा वो भी ले लेते हैं, कुछ चटपटा खा लेते हैं। तो हमने आपको भी दिखाया कि कैसे बनाता है वो, बहुत स्पीड में बनाता है झालमुरी। तो चलिए अब आ गए हम लोग मेन गेट के अंदर, अब घर चलते हैं। और आम लेने हमें उस रोड के पार जाना पड़ा जो कि मैंने आपको दिखा दिया ट्रैफिक कितनी थी। मैं घर आ चुका था, तो मैंने कटोरी में अपने लिए झालमुरी ले लिया, तो चलिए अब मैं इसको खाने के बाद मिलता हूँ। गाइस अब जा रहे हैं मैंगो शेक बनने, तो मम्मी आम छिल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको मैंगो शेक की रेसिपी अपने घर की। और मेरी आवाज़ अगर सही सही सुनाई दे रही हो तो उसको माफ़ करना मुझे गाइस, क्योंकि साइड में कूलर चल रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है तो रहा नहीं जाता था। चलिए आपके साथ दिखाता हूँ मैंगो शेक की रेसिपी।
Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Guys, हमारा mango shake तैयार हो चुका है, ये देखिए मैंने ले लिया है कांच के ग्लास में. चलिए अब इसको पी के बताता हूँ कैसा बना है. तो गाइस में हमने आइस क्यूब भी डाला था, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम चिल है, मज़ा आ रहा है. तो चलिए अब गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं. ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं मिलता रहूँगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस.